स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हुए हैं। पिंकी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि लगभग 22 साल से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। जानते हैं इस तरह के विचार के डेरा सच्चा सौदा किस तरह का माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, प्यारी प्यार चारों तरफ इंसानियत अच्छा पाठ पढ़ाते हैं पिताजी, बहुत अच्छा लगता है। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं यहाँ पे? क्या महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं यहाँ पे? महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है, बच्चे बड़े सब कुछ है। बहनें अलग होती हैं, भाई अलग होते हैं, अलग से ही। मानवता भलाई के कौन कौन से कार्य किए जाते हैं यहाँ पे? मानवता भलाई के कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? 143 किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य हैं ऐसे इसमें? आप यहाँ पे आ रहे हैं, क्या मिलता है आपको यहाँ पे? खुशी मिलती है, परमानंद मिलता है, मालिक मिलता है, मालिक खुशी मिलता है। जो इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? सब झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है। पिताजी हमारे पाक पवित्र थे, हैं, रहेंगे। कितनी ज़रूरत है समाज को गुरुजी की? क्या समाज को गुरुजी की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम अपने हम इंसान बने हैं, वो सभी पिता सारा संसार इंसान बन जाएगा, अच्छा सब सड़क बन जाएगा धरती पर। आज गुरुजी समाज में नहीं है तो किस तरह के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं? गुरुजी आज समाज में नहीं है तो किस तरह के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं? बहुत ही बुरा है हमारे लिए तो। संसार ही हमारा पिताजी है, सब कुछ हमारे पिताजी है, उनसे ही संसार हमारा। तो क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? यही हमारे पिताजी बाहर आ जाए, हमें खुशियाँ दे, हम दर्शन करें, मानवता भलाई आगे से आगे बढ़ के और ज़्यादा हो और संसार में खुशियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उन्होंने बताया कि मानवता भलाई के बहुत सारे कार्य यहाँ पे किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज को। गुरुजी की अपील कर रही है सरकार से कि जल्दी से जल्दी गुरुजी को जो है डेरा सच्चा सौदा में वापस भेजा जाए। आप